नमस्कार, मैं हिना रहमान, प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं मादक गांव में माया देवी केयर ऑफ मनोज सिंह चौहान प्रधान जी के साथ उपस्थित हूं। तो आज हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गांव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, अपना परिचय दीजिए। प्रधान पद माया देवी, मैं उनका पुत्र हूँ। उनकी देखभाल के लिए या पूरे गाँव के लिए मैं ही चार्ज हूँ। तो आप कितना टाइम हो गया प्रधान पद पर? 6 महीना हो गया लगभग। तो 6 महीने में आपको गांव वालों से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? बढ़िया मिला गांव वाली की ओर से। तो आप कितने वोटों से विजय हुई थी आपकी? मेरी लगभग 200 वोटों से। 200 अच्छे वोटों से विजय हुई फिर आपकी। तो प्रधान जी, कुल जनसंख्या कितनी होगी आपके गाँव की? कुल जनसंख्या होगी लगभग 6000 में महिलाओं की कितनी होगी? महिला की होगी लगभग 2500। और जैसे 0 से 10 साल तक के बच्चे, उनकी लगभग होगी 1000। तो प्रधान जी, आंगनवाड़ी है आपके यहाँ? है आंगनवाड़ी, स्कूल में ही है, प्राइमरी स्कूल में। आंगनवाड़ी में जो बच्चों की संख्या कितनी होगी? लगभग ऐसी होगी 84 के लगभग। 84, तो उसमें जो बच्चे हैं बता रहे हैं आप 84 बच्चे, तो राशन जो आता है 84 बच्चों का आता है? हाँ, राशन 84 बच्चों का आता है। तो प्रधान जी, आपकी उपस्थिति में बटा कभी? हाँ, एक दो बार बटो। क्या मिलता है बच्चों को? बच्चों ने बिस्कुट वगैरह, घी, पंजीरी, जो भी आइटम आवे ऊपर से, रिफाइंड वगैरह सब कुछ मिलता है। जैसे कि दलिया है, दाल है, रिफाइंड है, ये सब मिलता है? मतलब कोई बच्चा रह तो नहीं जाता? ना, नहीं, कोई नहीं रहता। और डीलर साहब आपके यहाँ? डीलर भी बढ़िया है हमारे यहाँ। डीलर इस टाइम डीलर शिफ्ट है आपके यहाँ? एक पवन चौहान है, एक बबली देवी है। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं दोनों? मादक में। हाँ। अच्छा, तो राशन कितना दे रहे हैं वो एक यूनिट पर? 5 किलो। पूरा 5 किलो। जैसे 3 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। अच्छा, तो प्रधान जी, जैसे गाँव के विकास को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? विकास तो बढ़िया चल रहा है गांव में। जब हम युवा हैं तो विकास, कम से कम 100 तो लाइट लगवाई है गांव में। अच्छा। पंचायत घर बनवाया है नया, पंचायत घर पर कैमरा की व्यवस्था है और साफ शौचालय भी है। ऑफिस आपका पंचायत घर में ही है ना? ऑफिस भी बनाई है, CTC कैमरा भी है, वाईफाई भी कनेक्ट है, सब कुछ करवाया है। आंगनवाड़ी पर नल भी लगवाएं, कम से कम 15 से 20 नल नए भी लगवाएं, 10 नल ठीक भी करवाएं। रीबोर में जो प्राइमरी स्कूल है आपके, प्राइमरी में कितने रूम बने हुए? प्राइमरी में है 4 रूम। पानी की लाइट की व्यवस्था है आप बताएं? पानी की लाइट की, सब की, सब पंखा की, सब। प्राइमरी में जो प्रधान जी वो मिलता है खाना बच्चों को, तो वो कैसा मिलता है? वो बढ़िया मिलता है हमारे यहाँ। हफ्ते का मेनू बना होता है, तो उसके हिसाब से क्या क्या दिया जाता है? मैं बताऊँ, एक दिन चावल, आलू, किसी दिन रोटी, कड़ी, ऐसे करके जो भी मेनू, खिचड़ी वगैरह, दलिया, सब कुछ मिलता है। बढ़िया, मेरी देख रेख में ही बनता है। प्रधान जी, फल और दूध कौन से दिन दिए जाते हैं? फल और दूध बृहस्पतिवार को। आपके यहाँ बृहस्पति में मिलता है? हाँ। अच्छा, जैसे पीछे प्रधान जी बता रहे थे उनके यहाँ जो है ना सोमवार में मिलता है, मिलते हैं फल। तो बिस्कुट को खीर भी मिलती है सोमवार मंगल में। यहाँ ये है कि गांव के विकास को लेकर जो भी अभी तक आप काम बहुत अच्छा करा रहे हैं सब चीज लेकर, तो जैसे कि आपके यहाँ विधवा औरतें कितनी होंगी? विधवा और औरत है कम से कम लगभग 100 है आपके यहाँ कम से कम। तो पंचायत आपके यहाँ एक ही गाँव है या दो गाँव की पंचायत है? दूसरा गाँव कौन सा है? बीदा की गढ़ी। इसी में आता है। दोनों को मिलाकर 100 विधवा औरतें हैं। तो प्रधान जी, फिर पेंशन कितने लोगों की आ रही है? पेंशन आ रही है 111 विधवा औरतें और 99 औरतन की पेंशन आ रही है। 99 की आ रही है, मतलब 100% ही मान लिए, कुछ कम है। हाँ, कुछ ये तो पहली बार प्रधान जी मैं आपसे बात कर रही हूँ जो जान रही हूँ कि 100% में से 90 आ रही है। बहुत अच्छा कार्य करा रहे हैं। बाकी पक्का आपने बात किया कि उनकी पेंशन टाइम से आ रही है? टाइम तो आ रही है। जहाँ 20 पेंशन तो मैंने नई बनवा दी है अभी 6 में। अच्छा, जो पुरानी आ रही थी और 20 आपने बनवाई है? हाँ, टोटल 99 आ रही है। अच्छा, 99 आ रही है टोटल। तो कितने पैसे आते हैं उसमें उनके अकाउंट में? 1500 महीना? नहीं, 3 महीने पे। 3 महीने में 1500 रुपए आते हैं। और वृद्धा औरतें? वृद्धा पेंशन तो कम है मैडम, कुछ उनकी ओर से समस्या है। अच्छा। उनकी ओर से समस्या है, लगभग वृद्धा बड़े बूढ़े लगभग 150 करीब है, 100-150, उनमें से लगभग ज्यादा 50 लोगों की पेंशन है, 100 लोग अभी
वैसी डोल रहे हैं, उनकी समस्या है थोड़ी। तो उनकी क्या कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है उनके? नहीं नहीं, उनके डॉक्यूमेंट ऐसा है, यहाँ से कुछ कागज भेज देते हैं तो जिले पे पहुँचते ही नहीं। अच्छा, और कुछ करवा रहे हैं अभी, पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और मेरी ओर तो मैंने कह दिया सबकी पेंसिल बनेगी, समस्या कोई हमारे यहाँ सेक्टरी है वो भी ठीक है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही काम करते हैं, हमारे यहाँ लेखपाल हैं वो भी ठीक हैं। अच्छा, आप क्या के लेखपाल कौन है प्रधान जी? अवनीश शर्मा है। और कहाँ के रहने वाले? वो खैर के ही रहने वाले हैं। मैं यहीं पे अपनी फर्द वगैरह जो भी काम होते हैं लेखपाल जी यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से सब काम। वो पीछे प्रधान जी नगर ही आगे बता रहे थे कि लेखपाल जी को लेकर, सेक्रेटरी को लेकर बहुत सारी समस्याएं बता रहे थे, तो ऐसा है जैसे कि वो बता रहे थे, उनको भी तो कॉल करना चाहिए ना। मैं बताऊँ ऐसा हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, चूँकि हम में खूबी ऐसी है जब हम अपनी जगह पे ठीक है, जब अधिकारी जब ही तो कोई भी काम करेगा जब हम अपनी जगह पर ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बेस्ट बात की है आपने, अपने अंदर भी इतनी खूबी होनी चाहिए जो सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि अपने अंदर बुराई ना है तो दूसरे के अंदर कैसे कर सके। जब हमारे हम बोलते हैं और उनते जब ही आ जाओ, सेक्रेटरी जब बोलते हैं जब ही आ जाओ, कागज वगैरह बढ़िया काम चल रहा, कोई परेशानी जी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि विधवा पेंशन 100% मतलब 100 लोगों की आ रही है, तो उस हिसाब से तो मुझे लगा बाकी काफी अच्छा आपका कार्य चल रहा है। तो जो कार्य अच्छे कर रहे हैं तो उन्हें फ्रंट पर आना भी बहुत जरूरी है। तो प्रधान जी, विधवा वृद्धा आप बता ही रहे हैं, तो विकलांग लोग कितने हैं आपके यहाँ? विकलांग लोग ऐसे हैं कम से कम 15, सभी की पेंशन आ रही है, उन्हें रिक्शा वगैरह सब मिल गया है, रिक्शे भी दिलवाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ही फैसिलिटी मिली है? पहली मिल गई मुझसे, प्रधानी से पहले। अच्छा, आपकी प्रधानी से पहले। अब कोई नया विकलांग तो हुआ नहीं, एक है बच्चा विकलांग, उसे मिल गया अभी नया रिक्शा पिछले महीना। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। तो प्रधान जी और कुछ सैनिटाइजर वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह, ये तो आप सब करा ही रहे हैं आप? सैनिटाइजर कई बार करवा दियो, डेंगू बीमारी चली है उसके लिए भी मैंने धुआं वगैरह जो फॉगिंग करवा दी 3 बार गांव में, सैनिटाइजर कम से कम 4-5 बार करवा दिया, वैक्सीन वाले हैं कम से कम 15-20 बार। तो कितनी 15-20 बार में कितनी कितनी वैक्सीन आई है आपके? लगभग 250-300 लगभग। लोग अच्छे खासे जागरूक हैं, आपने काफी मेहनत की है। तो सेकंड डोज भी लग गई होगी? सेकंड का थर्ड भी डोज जो कुछ सेकंड लग गई है, मैं बताऊं पहले लगी थी जी, शुरू में 3 डोज ही लगी थी, शुरू में 3 डोज लगी, बाद में सेकंड। अच्छा। शुरू में जो डोज लगी थी पहली टाइम पे जब पिछले साल कोरोना हुआ था उसमें 3 डोज ही लगी थी। तो प्रधान जी, जैसे मनरेगा में क्या चल रहा है आपके? मनरेगा में तो PW की रोड पे अभी सफाई का काम चल रहा है, मानागढ़ी से जरतौली लेखपाल जी आई गई। कितने मजदूर काम कर रहे हैं आपके? मेरे यहाँ लगभग 100 से 150 मजदूर काम कर रहे हैं, सभी मजदूरों को बुलाता हूँ, अच्छा काम करते हैं। अच्छा, तो प्रधान जी जैसे आपके यहाँ जो ये मजदूर काम कर रहे हैं कैंडिडेट, उनकी पे कितनी क्या होती है? उनकी 205 रुपए, 204 रुपए। तो अभी तक जो आप फिलहाल जो लिस्ट में है आपके कितने मजदूर हैं? फिलहाल की डेट में लिस्ट 400-500 मजदूर है, और जिनकी मस्टोल लिखी हुई है 70-80 लोगों की लिखी हुई है, फिलहाल की डेट में ब्लॉक में चल रहे हैं काम। यहाँ पे तो ये है कि आपके यहाँ जो गांव में जो भी है, गांव के विकास को लेकर सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, करा रहे हैं आप, तो और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी? नहीं जी, बढ़िया काम चल रहा, और कहा कहना चाहेंगे, बहुत बढ़िया। मनरेगा का काम जो भी 50 साल से जो चकड़ो नहीं पड़े वो भी परवा दिए हैं। PW पर रोड खराब पड़ा था मानागढ़ी से जट्टारी वाला, उस पर झाड़ झुंड वगैरह थे, PW वालों से रिक्वेस्ट कर सफाई कर चल रही है, फिलहाल की डेट परमिशन ले रहे, अभी फिलहाल की डेट में काम चल रहा है। वृक्षारोपण भी कराया होगा आपने? करवाया है। कितने पौधे आए थे? लगभग 1200 पौधा। 1200 पौधे आपने कहाँ कहाँ लगवाए? कुछ स्कूल में, कुछ पंचायत घर में 10-15 पौधा, कुछ गांव में, प्लॉटिंग में, मैरिज होम पे, जैसी व्यवस्था स्कूलों में। मैरिज होम भी आप ही का है? हाँ, मेरा ही है मैरिज होम भी। और लगभग जिनमें 1200 पौधा आए, 800 पौधा अभी तक सही सलामत है। अच्छा, बाकी सब खराब हो गए? 400 पौधा खराब है, 800 पौधा मौजूदगी में है। अच्छा। उनकी देखभाल भी कर रहे हैं हम ही। अच्छा, तो प्रधान जी जैसे कि आप बता रहे हैं सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपके गांव में, तो कभी जैसे अचानक कोई इमरजेंसी केस पड़ता है तो आपके हॉस्पिटल वगैरह की कोई व्यवस्था है? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो फिर पेशेंट को कहाँ लेकर जाते हैं? अलीगढ़, दिल्ली, नोएडा, ऐसी जगह। यहाँ खैर है इतना बड़ा नहीं, यहाँ भी कोई मतलब ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी हॉस्पिटल नहीं है। नहीं है। तो फिर ये लेखपाल जी हमारे यहाँ का लेखपाल जी से भी बात कर रहे हैं।
अच्छा, तो और जैसे क्या और बच्चों की शिक्षा को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चा ने की शिक्षा तो थोड़ों ने लॉकडाउन में डाउन चली गई, अब फिर अब वैसे स्कूल बढ़िया चल रहे हैं, स्कूल बढ़िया खुल गए और पढ़ाई बढ़िया चल रही है, फिलहाल की डेट में कोई शिकायत नहीं है, टीचर भी सही है। तो प्रधान जी, जैसे आप स्कूल में जाके कभी चेक कर देंगे टीचर सही पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं? अक्सर ऐसा होता है प्राइमरी स्कूल में टीचर एक तरफ बैठे हुए हैं अपने गुल्ले उड़ा रहे हैं और बच्चे एक तरफ बैठे हुए हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि मैं जिस रोड पर ऑफिस बना रही है दोनों स्कूल मेरे ही निगाह में रहते हैं। मैं स्कूल में हफ्ता में 3 बार जाता हूँ, स्कूलों में हफ्ता में 3 या 4 दिन मैं अपने हाथों से खाना वगैरह देख के आता हूँ और स्कूलों के टीचरों की देखभाल करता हूँ। और सही वैसे भी टीचर बढ़िया है, कुर्सी तोड़ा ना पहले ही है हमारे यहाँ। यहाँ 2 आंगनबाड़ी 2 शिक्षा मित्र हैं, 1 हेडमास्टर नहीं है, वहाँ भी 2 शिक्षा मित्र हैं, हेडमास्टर नहीं है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं हमारे यहाँ, बढ़िया दोनों गांव में बढ़िया पढ़ाई चल रही है। लॉकडाउन में तो थोड़ा बालक भूल गए, 2 साल बहुत स्थिति ज़्यादा स्थिति बच्चों की खराब है गई है, फिलहाल की डेट में काम बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। शिक्षा की ओर से हम भी जागरूक हैं, क्योंकि थोड़ी समस्या ये सभी जंग से लड़े हैं। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।